हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमें एक आकृति दी गई है, आकृति 9.16। तो सबसे पहले मैं आकृति आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो आप देख सकते हैं ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है। इसके अभ्यंतर में एक बिंदु पी है। इसमें लिखा है कि अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु पी है, तो ये देखिए इसके अंदर एक बिंदु पी हमें दिया गया है। तो हमें ये दो चीज़ें दर्शानी हैं, इनकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन क्रम से इसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज यहाँ से हम यहाँ तक का पूरा लिख लेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं दिया है, और इसमें हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लिख देते हैं, यही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले लिख देना है। अब इसके बाद हमें कुछ चीज़ें जो है जो सिद्ध करना है वो ये दोनों पॉइंट भी हमें लिख लेना है। तो मैं क्वेश्चन देख के ही ये सिद्ध करना भी लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, उसके बाद क्वेश्चन को ही देख के दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये पूरा हमने क्वेश्चन देख के ही लिखा है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, इसे हम प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए उपपत्ति में हमें चित्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रहा चित्र। अब एक एक चीज़ें हमें एक आराम आराम से इसको सिद्ध कर लेना है, तो आपको अच्छे से देखना है। तो इसको उपपत्ति करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, वो भी उपपत्ति के पहले। तो हम हेडिंग डालेंगे रचना। अब सवाल ये उठता है कि हमें रचना क्यों करनी है। तो इसका जवाब है कि अगर हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे तो इसका एक ही आधार होगा, और एक मतलब कि समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम AB के समांतर और DC के समांतर एक बिंदु P से होती हुई एक रेखा खींचते हैं, और इसे हम EF नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज जो ABCD है वो दो हिस्सों में बट जाएगा। एक होगा ABFE और दूसरा होगा EFCD। तो अब हमने बिंदु P से होती हुई एक जो है रेखा खींची है। इसकी विशेषता ये है कि AB के समांतर है EF और EF समांतर है DC। तो हम रचना में यही लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कि EF समांतर है AB के, और वो भी समांतर है DC के, यानी कि ये तीनों रेखाएं DC, EF और AB तीनों आपस में समांतर हैं। तो लिखेंगे खींची। इसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। तो चलिए अब उपपत्ति में आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ली जा रही हैं। तो अगर हम चित्र में देखें तो ये देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है PAB, और समांतर चतुर्भुज है EFB या ABFE। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये एक ही आधार AB पर बने हुए हैं। अगर मैं त्रिभुज को हाईलाइट करूं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो AB है ये इस त्रिभुज का आधार है, और समांतर चतुर्भुज आप देख पा रहे होंगे AB F और E, ये अलग है। ये देखो यहाँ पे ABFE, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार AB है, और ये एक त्रिभुज है APB, इसका भी आधार AB है। अगर चित्र को हम पलट दें इस तरीके से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये त्रिभुज बना है, ये देखिए, और ये एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों के आधार एक ही है AB, AB पर बना है PAB और AB पर ही बना है ABFE। तो हम कह सकते हैं कि जब और समांतर हैं, EF किसके समांतर है, AB के समांतर है, ये पहले ही हमने रचना की हुई है। तो जब एक त्रिभुज और एक समान
चतुर्भुज एक ही आधार ए बी पर हों और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों, तो त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसको हम चित्र को सीधा करते हैं और सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए पी बी, तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए पी बी, आप देख लीजिए ए पी बी, ए पी बी, यहाँ पे त्रिभुज का साइन बना देते हैं, त्रिभुज ए पी बी तथा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का नाम बताइए ए बी एफ ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी एफ और ई, दोनों त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार ए बी पर स्थित है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक ही आधार ए बी पर, एक ही आधार ए बी तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी, ए बी और सी एफ नहीं ई एफ के मध्य स्थित हैं, तो लिखेंगे ए बी और ई एफ के मध्य स्थित हैं, ई एफ के मध्य स्थित है, तो क्या होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए पी बी, ए पी बी बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ए ई या ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी होगा, अगर हम देखें त्रिभुज पी डी सी, इसको हाईलाइट करें यदि, ये आप देख सकते हैं पी डी सी, तो ये जो है चतुर्भुज ई डी सी एफ के साथ कंपैरिजन में आएगा, तो इसका आधार पी डी सी का आधार क्या है, डी सी, और चतुर्भुज ई एफ सी डी का आधार भी क्या है, डी सी है, तो इसमें भी वही नियम लगेगा। तो अगर हम चतुर्भुज ई एफ सी डी, ई एफ सी डी को भी हाईलाइट कर लें, तो आप देख पा रहे होंगे कि ई एफ सी डी यहाँ पे उसका आधार भी डी सी ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज यहाँ पे डी पी सी, यहाँ पे डी पी सी जो है, या आप पढ़ सकते हो इसको पी डी सी, तो पी डी सी और ई एफ सी डी का आधार समान है, डी सी है, तो यही लिखना है। इसी प्रकार त्रिभुज पी डी सी तथा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का जो यहाँ पे नाम क्या है, ई एफ सी डी, तो समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी एक ही आधार, एक ही आधार डी सी तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं ई एफ और डी सी के मध्य स्थित हैं, के मध्य स्थित हैं, तो इस तरीके से यदि हम देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पी डी सी आधा होगा एरिया ऑफ ई एफ सी डी के, ई एफ सी डी, इसे हम समीकरण दो बना सकते हैं। अब यदि हम इनको देखें ध्यान से, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे ए बी एफ सी और ई एफ सी डी, यहाँ पे देखिए अगर हम जोड़ेंगे ए बी एफ सी यानी पीले भाग को, और यहाँ पे भी पीले भाग को ई एफ सी डी को, तो बड़ा एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये छोटा सा भाग प्लस
ये वाला छोटा सा भाग प्लस कर देंगे तो एक बड़ा भाग ए बी सी डी बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि पहला चौकोर भाग के साथ ही अगर दूसरा चौकोर भाग ऐड कर दिया जाए तो एक बड़ा चौकोर भाग बनेगा कि नहीं बनेगा, ए बी सी डी। इसलिए हमें यहाँ से एक लॉजिक मिला कि अगर हम एक और दो को ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो वैसे ही ऐड हो जाएंगे, और हमें जो सिद्ध करना है उसको गौर से देखिए। इन दोनों त्रिभुजों को यानी कि ए पी बी और पी सी डी, यहाँ पे देखिए ए पी बी और पी सी डी एक ही बात है, अगर ये दोनों प्लस में हैं, इन दोनों को प्लस का जो उत्तर है वो क्या आ रहा है, तो आंसर है ए बी सी डी के साथ आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ए बी सी डी आ जाएगा। एक तो ये लॉजिक, दूसरा आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए पी बी, ए पी बी और एरिया ऑफ पी डी सी दोनों प्लस के साथ हैं, दोनों यहाँ पे आप देख लीजिए किसके साथ में है, प्लस के साथ में। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हमें समीकरण एक व दो को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि इनको जोड़ना ही क्यों है, इनको भाग क्यों नहीं करना, माइनस क्यों नहीं करना। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ए पी बी और पी डी सी के साथ क्या हुआ है, तो आंसर है प्लस में है ये दोनों, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक प्लस दो से, इसलिए पहले हम लिखेंगे एरिया ए पी बी, इसके साथ में प्लस होगा नीचे वाला जो भाग है एरिया पी डी सी। इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पी सी डी, ताकि क्वेश्चन से भी मैच कर जाए। तो एक ही बात है, इसको हमने ऐसा लिख दिया, पी सी डी कर दिया, आप भी कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों प्लस करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, और फिर केवल इन दोनों को, इसको और इसको, दोनों को प्लस कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये दोनों तो ए बी सी डी बनेगा, मैंने आपको अभी बताया है, आप देख सकते हैं पहला ए बी एफ ई, ए बी एफ ई और दूसरा ई एफ सी डी, दोनों का बड़ा चौकोर बनेगा ए बी सी डी। तो इसकी जगह पर हम ए बी सी डी लिखेंगे, पहले ये ज्यों का त्यों नीचे लिखेंगे, इसके बाद 1/2 भी ज्यों का त्यों, और इसकी जगह पर आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का प्रूफ हो जाएगा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट और सिद्ध हुआ। इसके बाद हमें सेकंड प्रूफ करना है, तो सेकंड बात देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना था। एरिया ऑफ ए पी डी, तो अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ए पी डी यानी कि अब इस तरफ वाले त्रिभुज लेने होंगे, और पी बी सी, तो पी बी सी इस तरफ वाला त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा, इस तरफ वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा और पी बी सी इस तरफ वाला त्रिभुज भी हमें लेना पड़ेगा, यानी कि दो त्रिभुज इस तरफ वाला और इस तरफ वाला दोनों हमें ध्यान में रखना है, और इसका कंपैरिजन हमें किसके साथ में करना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के साथ में हमें इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं, तो सेकंड नंबर यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे इसी प्रकार। और जैसे कि अगर हम देखें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और यहाँ पे ये आधार क्या है ए डी, और ए बी सी डी का आधार भी क्या है ए डी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी डी का क्षेत्रफल आधा होगा ए बी सी डी के क्षेत्रफल का। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, बी पी सी जो है इसका आधार क्या है बी सी है, और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का आधार भी क्या है बी सी है, तो इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो या फिर हम दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि यहाँ पे भी हम एक रचना कर देंगे, तो एक लाइन बनेगी, तो इसका क्षेत्रफल जो है बिल्कुल वैसे ही होगा ये सब, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ इसका और इसका दोनों का योग, यानी कि ए पी डी, ए पी डी प्लस एरिया ऑफ बी पी सी या पी बी सी, दोनों का योग आधा होगा समांतर चतुर्भुज के, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ से, जैसे हमने बिंदु P से होते हुए एक रेखा खींची थी ई एफ, उसी तरीके से हम इस चित्र को ऐसा कर देंगे और एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, मान लीजिए जी एच, कुछ भी खींच सकते हैं, जी एच खींच लीजिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज होगा जी एच,
डीए उतना ही बड़ा होगा, तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार। ये भी एक ही आधार एडी पर होगा, ये भी एक ही आधार, तो हम लिखेंगे कि इसका ये आधा होता है। फिर इसी तरीके से इस तरफ करेंगे तो लिखेंगे कि एक ही आधार BC पर, ये त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका ये आधा होगा। फिर दोनों का योग कर देंगे तो ये और ये प्लस हो जाएगा, और ये छोटे चौकोरों का जब प्लस होगा तो चतुर्भुज ABCD बन जाएगा। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये भी आधा होगा। इसे हम बना सकते हैं समीकरण 3। अब यदि हम समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखें, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने सिद्ध किया था। इसे समीकरण 1 बनाया था, इसे समीकरण 2 जो सिद्ध हुआ था, इसे हम समीकरण 3 बना देते हैं। ये फर्स्ट नंबर का जो सिद्ध हुआ था, इसे हम समीकरण 3 बना देते हैं। अब यदि हम समीकरण 3 को देखें तो ये किसके बराबर है, तो इसे हम बनाएंगे समीकरण 4, क्योंकि 3 तो बन चुका है। अब यदि हम समीकरण 3 व 4 को गौर से देखें, मैं यहाँ पे दोनों को साथ रख देता हूँ, ये देखिए समीकरण 3 में क्या है, ½ ABCD के बराबर ये है, और समीकरण 4 में ½ ABCD के बराबर ये है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण, और सिद्ध हो जाएगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो ये वाला हिस्सा, जब RHS बराबर है तो LHS भी कैसे हो जाएंगे बराबर, यानी कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर होगा एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC। ये हमने सेकेंड नंबर का प्रूफ कर दिया। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि ये इस तरफ लिखा, ये इस तरफ, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर होगा एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन इसका करना है। आप चाहें तो इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं, तो मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ। और चित्र तो वैसे भी बना ही आएगा, और ये हमने बनाया है। अब इसको ऐसे, थोड़ा सा ये नेक्स्ट पेज में हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।